हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुरभि का फिफ्थ चैप्टर अहम् ओर्च्छा अस्मि पंचम पाठः। अहम् ओर्च्छा अहम् टीकमगढ़ मंडले स्थितम् प्राचीन नगरम् अस्मि। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। माम परितः सघनम वनम अस्ति। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा नीलगाव वानरा स्वच्छंद विचरन्ति। अन्यापि वन्यपशवः निर्भया वसन्ति। एतेषां वन्यपशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्। तो इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, अहम् ओर्च्छा, मैं ओर्च्छा हूँ, मतलब मेरा नाम क्या है, ओर्च्छा। ये ओर्च्छा जो ओर्च्छा नगर है उसके बारे में बात कर की जा रही है। ये जो ओर्च्छा नगर है ये कहाँ पर स्थित है, अहम् टीकमगढ़ मंडले स्थितम प्राचीन नगरम अस्मि। मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित एक बहुत ही प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना कौन सी शताब्दी में, 16वीं, षोडश मीन्स 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजा जो कि राजपूत थे, है ना, राजपूत राजा, क्या नाम था उनका, रुद्र प्रताप, उन्होंने की थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों ओर, परितः मीन्स चारों तरफ, बहुत ज़्यादा घने वृक्ष हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिका भवन्ति, इस वन में, ये इस जंगल में कौन से वन ज़्यादा हैं, सागौन के पेड़, कौन से वृक्ष ज़्यादा हैं, सागौन के, है ना, अधिका भवन्ति, बहुत ज़्यादा हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति, और ये तो आप सब जानते हैं कि जो सागौन की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मूल्यवान होती है, है ना, कीमती होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणा नीलगावः वानरा स्वच्छंद विचरन्ति। मेरे वन में, है ना, मेरे जो जंगल हैं उसमें कौन कौन, शेर चीता हिरण नीलगाय बंदर, ये सभी स्वच्छंद रूप से विचरते हैं, किसी को कोई डर नहीं है। अन्य अपि वन्य पशवः निर्भया वसन्ति, और भी बहुत सारे जंतु जीव जंतु यहाँ पर निर्भय होके रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्य निर्मितम्। इस वन यहाँ पर वन्य पशु, है ना, जंगली जो पशु होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए शासन ने यहाँ पर एक अभयारण्य भी क्या किया है, निर्माण किया है, एक अभयारण्य का निर्माण यहाँ पर किया है। मम परिक्षेत्रे चत्रसह प्रमुखा नद्य प्रवहन्ति, मेरे आसपास, परिक्षेत्र मीन्स आसपास, मेरे इस क्षेत्र में क्या है, कितनी, चत्रसह, चत्रसह मीन्स चार प्रमुख नदियाँ बहती है, धसान जामिनी जतारा बेतवा, नाम्य नद्या जलस्य आवश्यकता शक्ताम पूरयन्ति, कृषि वनम
भूमि च सिचन्ति। अब इनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन सी नदियां हैं ये? एक तो धसान है, जामिनी, जतारा और बैतवा। ये जो नदियां हैं, इन नदियों के पानी से सभी आवश्यक जो कार्य है उनमें इस पानी से पूर्ति हो जाती है ना। कृषि, वन, भूमि, इन सबको ये क्या करती हैं, ये नदियां सींचती है। मम दक्षिण भागे जामिनी वैत्रवत्यो संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी नदी और किस किस का वैत्रवती है ना, जामिनी और वैत्रवती दोनों ही नदियों का संगम है। तत्र संगमात जलस्य सप्तधारा भवन्ति, और इस नदी के संगम से क्या बहता है, यहाँ पर सात धाराएं, किसकी, पानी की, जल की सात धाराएं यहाँ पर बन जाती हैं। अतएव जना लोकभाषायां ताम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोकभाषा में यहाँ पर लोक इसको सप्तधारा के नाम से कहते हैं। वैत्रवत्या तटे मम पुरातनम, मन पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। वैत्रवती जो के तट पर मेरा प्राचीन ऐतिहासिक दुर्ग है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, और बहुत सारे मंदिर भी यहाँ पर है। तत्रैव राज्ञा समाधयः अपि सन्ति, और यहाँ पर बहुत सारे राजाओं की समाधि भी है। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे राजाओं के समाधि स्थल भी बने हुए हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते, और तट पर एक बहुत ही बड़ा, भव्य मीन्स बहुत बड़ा, राजा राम का भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। एतद् कलात्मकम ऐतिहासिकम मंदिरम अस्ति, ये बहुत ही ऐतिहासिक और कलात्मक मंदिर हैं। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता की बहुत ही बड़ी और मनोहर प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की हुई है। मंदिरस्य उद्याने विश्वान स्थलम वर्तते, मंदिर के उद्यान में विश्वान स्थल भी बना हुआ है ना। अत्रैव वीरः हरदोलः विष्पानं कृतवान, यहाँ पर किसने विष्पान किया था, वीर हरदोल ने यहाँ पर विष्पान किया था। विष मीन्स जानते हैं आप, जहर पिया था। ओके, मम भूमौ अनेके वीरः धीरः श्रेष्ठा पुरुषः अभवन्, मेरी भूमि पर बहुत सारे वीर पुरुष, धीर पुरुष और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं। तेषु हरदोलः मम अति प्रिय आसीत, और उसमें से हरदोल जो हैं जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय थे। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत, और वो जुझार सिंह राजा के प्रिय अनुज थे, है ना। अनुज मीन्स छोटे भाई। परम चाटुकार है धुरते राज्ञः मनसी राज्ञी हरदोल संबंधे संदेह उत्पादिता। लेकिन जो राजा थे है ना, उनको चुगलखोर और धुर्तों ने क्या कर दिया, बहुत सारे ऐसे होते हैं राजा के आसपास, ऐसे लोग होते हैं जो चुगली करते हैं, तो उनको भी क्या हुआ, राजा का जो भाई था बहुत अच्छा था है ना, लेकिन उस वो राजा के भाई को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ राजा को भड़का दिया और ये कहा कि उसके किसी से क्या है, संबंध है ना।
और उन राजा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदुल्लह महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञ संदेह निवारणाय च विष्पानम कृतवान। और इसी कारण हरदौल ने अपने महाराज के सम्मान की रक्षा करने के लिए और राजा के संदेह को का निवारण करने के लिए विष पी लिया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समस्ते क्षेत्रे सजीवा इव भवति। और आज भी उनके बलिदान की स्मृति पूरे क्षेत्र में जीवित रूप में है ना, सजीव रूप में है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमं पूजयन्ति। जब भी कोई किस विवाह होता है तो सबसे पहले महिलाएं वहाँ पर पूजन करने आती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मकम चास्ति। मेरा जो किला है, दुर्ग मीन्स किला, वो बहुत ही क्या है, मजबूत और कलात्मक है। दरबार भवन शीश भवनम च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन, ये दोनों ही क्या है, इस किले की विशेषताएं हैं। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनसा रंजयन्ति। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्म शिल्पकार्ड विद्यते। और सभी सर्वेषु भवनेषु, सारे ही जो भवन हैं वो सब क्या हैं, स्थापत्यकला कला, यहाँ पर स्थापत्यकला के सुंदर चित्र सभी के मन को लुभाते हैं, प्रसन्न करते हैं, है ना। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। और दीवालों पर भी बहुत सारे मनोहर चित्र हैं, बने हुए हैं। दुर्गस्य अधिस्थले काव्यकला विदग्धाया नर्तक्या राय प्रविमाया आकर्षकम भवनम अपि स्थितम। दुर्ग में क्या क्या है, क्या क्या बना हुआ है किले के नीचे, काव्य कला में चतुर नर्तकी राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी स्थित है। दुर्गस्य अधिस्थले काव्यकला विदग्धाया नर्तक्या राय प्रवीण माया आकर्षकम भवनपि स्थितम। वामे दर्शनीयम चतुर्भुजम विद्यते। और यहीं पर क्या है, एक बाएं भाग में क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है। अत्र अदि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम् अद्भुतम् भाति। यहाँ पर पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं, है ना, उकेर दिए जाते हैं, चित्र जो उकेरे जाते हैं ना, वो ही यहाँ पर कहा गया है कि वो जो कला है, पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो भी अद्भुत कला है। पुरतः सावन भादो नाम को स्तभो प्रसिद्धो। और यहाँ पर कौन से सावन और भादो नाम के जो दो स्तंभ बने हुए हैं, है ना, खंबे जो बने हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यान वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्पोद्यान भी है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। और यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के अलग अलग पुष्प जो यहाँ पर हैं वो पर्यटकों के मन को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। उद्यानस्य नाति दूरे हिंदी भाषाया
प्रसिद्ध कवे केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान से कुछ ही दूरी पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशव दास का की यहाँ पर स्थापना की गई है, है ना। यहाँ पर मीन्स उनका स्थान बना हुआ है। 66 शताब्दात आरभ्य मम निर्माणम अध्यावधि चलती एवं। 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक मेरा क्या चलते जा रहा है, यहाँ पर मेरा निर्माण कार्य चलते जा रहा है। परम सर्वाधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य मेरे यहाँ जो हुआ है वो किसके समय में हुआ है, महाराज वीर सिंह है ना, प्रथम महाराज वीर सिंह के शासनकाल में हुआ था। मम इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण अस्ति। मेरा जो इतिहास है वह बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वच आसीत। मध्यकाल में मेरा बहुत ही विशेष स्थान और महत्व था। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते। और आज भी वहाँ पर कौन है, राम राजा, जो राजा राम का जो मंदिर बना हुआ था वो आज भी वहीं पर विराजमान है। इदानीमपि जना प्रतिवर्षम आगच्छन्ति माम दृष्ट्वा मुदिताः भवन्ति। और इसीलिए यहाँ पर आज भी लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और इसके अलावा कौन कौन से मंदिर यहाँ पर हैं, क्या कौन कौन से स्थान हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक, ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। प्रतिदिनं यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिक स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवति। हर वर्ष यहाँ पर यात्री लोग आते हैं और मेरा ये ऐतिहासिक स्वरूप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। तथा च तान विलोक्य अहम अपि प्रसन्नः भवामि। और मैं भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो ये आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, है ना। ये अहम ओरछास्मि जो आपका जो पार्ट था, पंचम पार्ट, ये यहाँ पर आपको ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछें, है ना। अहम ओरछास्मि शब्दार्था परितः। परितः मीन्स क्या होता है, परितः का मतलब चारों ओर। गवाक्षेषु खिड़कियों में, गवाक्षेषु का मतलब क्या होता है, खिड़कियों में। संगम, संगम मीन्स जहाँ पर मिलान होता है ना। यहाँ पर संगम जो आया है वो नदियों के मिलान के लिए आया है, है ना। वन्य पशवः मीन्स जंगली पशु, जंगली जानवर। दुर्गमः किला भांति सुशोभित होता है। तो ठीक है, आपका ये पंचम पाठ पूर्ण हुआ, है ना।